अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। ऑटोकैड 2006 लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम ऑटोकैड में लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विद डिमेंशन और विदाउट डिमेंशन, विद मेजरमेंट्स के हम किस तरह से इसमें लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। लाइन के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट्स में हम रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखें, आपने प्रेस करना है एल, ठीक है, एल फॉर लाइन, एल स्पेस, स्पेस देते हैं या एंटर देते हैं, दोनों का काम एक ही होगा। देखिए इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब होता है कि सबसे पहला पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई करना है। तो हम इस पूरी शीट के ऊपर किसी भी जगह पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, और कहते हैं स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए हम मूव करेंगे, तो अब एक चीज़ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कहीं भी जगह पर आप नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो आप इस तरह से विदाउट मेजरमेंट के लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही आपने कमांड को खत्म करना है तो आप स्पेस बटन को फिर से प्रेस कर दें। स्टूडेंट फिर से प्रेस करेंगे स्पेस बटन को, आपको दोबारा से कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आपकी कमांड ऑलरेडी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अब कहते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अब इस पर हम इसको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं, तो देखें ये हमारी लाइन सीधी नहीं है, मैं चाहता हूँ हमारी लाइन जो है वो 90 के एंगल पे आ जाए। तो यहाँ पर नीचे देखें एक ऑप्शन है ऑर्थो की, ये देखें हमारे पास है यहाँ पर ऑर्थो की ऑप्शन, इसके लिए कहते हैं F8 प्रेस करना है अपने, ठीक है। ये देखें ऑर्थो पे प्रेस करता हूँ तो देखें 90 के एंगल पे आ गई, ठीक है। फिर से ऑर्थो पे प्रेस कर देता हूँ, आप कमांड इस्तेमाल करें, कीबोर्ड पे आप F8 का बटन प्रेस करें, F8, ठीक है, तो ये ऑर्थो पे आ जाएगी, ठीक है। और आप लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, अप डाउन जिस डायरेक्शन में भी देते हुए आप जो है लाइन स्ट्रेट लगा सकते हैं, ठीक है। अभी भी स्टूडेंट आप इसको विदाउट मेजरमेंट के दे रहे हैं, ठीक है, अभी भी आपने मेजरमेंट के बगैर जो है इसको ड्रॉ किया। ये मैं इसका जो है माउस का जो स्क्रोल होता है, स्क्रोल बटन जो ऊपर नीचे के ड्रैग होता है, उसकी मदद से मैं इसको शीट के जरिए से अप डाउन कर रहा हूँ, और जहाँ से आपने जूम करना है तो उसके ऊपर रखते हुए आप स्क्रोल को ऊपर की तरफ घुमाएं तो जूम होगा, ठीक है, और यहाँ पे रखते हुए इस जगह पे रखते हुए आप डाउन करेंगे, इधर आके करेंगे तो ये, ठीक है, नहीं वर्किंग करेगा, ठीक है। अब देखिए आपने फिर से लाइन एल स्पेस, ठीक है, कमांड देनी है और यहाँ पर रखते हुए आपने प्रेस करना है, ठीक है, सेलेक्ट करनी है लाइन, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट। अब मूव करें, अब आप इसको साइज दें, मैं स्टूडेंट देता हूँ 112 दे देता हूँ, ठीक है, 12, और फिट का साइन डाल दें जो एंटर के साथ है, ठीक है, और प्रेस कर दें, ठीक है। फिर से प्रेस करें तो हमारी लाइन जो कमांड है वो कट जाएगी। अब देखिए हमें पूरी की पूरी लाइन कमांड देखनी है, तो देखिए ये नज़र नहीं आ रही, तो आप जी स्पेस दें, ए स्पेस दे दें, ठीक है, तो जूम आल करेंगे तो आपकी जितनी भी शीट्स पे वर्किंग हुई होगी वो सारी नजर आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 10 फीट की लाइन, सॉरी 12 फीट की लाइन हमने ड्रॉ की है, अभी एक लाइन लगाते हैं हम 1 फीट की। तो एल, यानी कि आपने प्रेस करना है सबसे पहले एल स्पेस, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मूव द डायरेक्शन 1 फिट करें, ठीक है, फिट लिखे हुए आप फिर स्पेस और एंटर, फिर स्पेस देते हैं तो 1 फीट की लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है, ये लाइन लगाने का तरीका था। अब नेक्स्ट में हम इसके अंदर लगाते हैं किस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे, आर ई सी लिखते हुए प्रेस करते हैं, ठीक है, और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आप पूरी शीट के ऊपर आपने जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट होती है, सबसे पहले मैनुअली बनाते हैं, देखिए फर्स्ट कॉर्नर ये आ गया और इसका लास्ट कॉर्नर ये हो गया, ठीक है, ये मैनुअली हमने बना लिया। इसी तरह फिर आर ई सी स्पेस करते हैं, ठीक है, और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर रखते हुए इस तरह से हम जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब साइज देते हैं इसको, तो साइज देना है आपने इसके अंदर कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल साइज होगा, ठीक है, और फिर वर्टिकली साइज होगा। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली साइज देते हुए हम सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल साइज कितना है हमारे पास। हम जो यहाँ बना 2x2 फीट का बनाते हैं जो स्क्वायर, तो हम 2 फिट लिखते हुए, ठीक है, कोमा प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में चला जाएंगे, ठीक है, फिर 2 फिट लिखते हुए फिर हम स्पेस दे देंगे। तो स्टूडेंट ये देखें 2x2 फिट का जो है हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ही लाइन्स भी होगी हमारी, हमने इसमें रेक्टेंगल बनाना अभी सीखना है, अभी हमने स्क्वायर बनाया है, ठीक है, अभी हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। तो आर ई सी स्पेस, उसी तरह से हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेक्टेंगल में हम 4 फीट रख लेते हैं इसकी ये साइड, और इस साइड को हम लिखते हैं 2 फीट, 4 फीट कोमा करते हुए इसको 2 फीट रखते हुए स्पेस दे देंगे। तो ये देखिए हमारी रेक्टेंगल शेप बन गई, 4 फीट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और 2 फीट यहाँ से यहाँ तक। तो स्टूडेंट लाइन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये चीज़ों के बाद हम सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले सर्कल की कमांड होगी सी, सी स्पेस स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई भी आप सेंटर पॉइंट ले लें और इसको क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। अब इसको मेजरमेंट के हवाले से बनाते हैं, तो सी स्पेस, शीट पर कहीं भी आप इसको जो है कोई भी सेंटर पॉइंट को ले लेते हैं, हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको मूव करते हैं आगे की तरफ। अब देखिए रेडियस मांग रहे हैं हमसे,
ठीक है। अगर हम डायमीटर के हिसाब से करना चाहें तो हम डी प्रेस कर देंगे, अगर रेडियस के हिसाब से करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे साइज देना है इसको, तो हम इसको 1 फीट का साइज देते हैं तो 2 फीट का डाया बन जाएगा, ठीक है। अब यही चीज डायमीटर के हिसाब से बनाते हैं, देखिए सी स्पेस, इसी तरह यहाँ पे भी एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। अब डी स्पेस कर दें तो डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हम 2 फीट लिखते हैं, ठीक है। और देखिए दोनों का साइज सेम है, ये रेडियस 1 फीट और ये डायमीटर 2 फीट, तो रेडियस और डायमीटर, क्योंकि रेडियस जो है वो डाया का हाफ होता है, ठीक है। डाया रेडियस का हमेशा 2 टाइम्स होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपको सिखाया किस तरह से हम लाइन, रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कल्स वगैरह को और स्क्वायर वगैरह को ड्रॉ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको न्यू जो है वीडियोस वगैरह बहुत आसानी मिलती रहें। तो मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।